हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जाए टॉपिक फिर वही जाए, ट्रिग्नोमेट्री का कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है? जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, साइन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा कौन कहता है? साइन अल्फा कोस बीटा। और इसी तरह अगर यहाँ ये प्लस है माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस किया जाए, जरा कोस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ कोस अल्फा माइनस बीटा होता तो क्या इसका उल्टा जाता है? ये कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी कि यहाँ जैसे साइन आता है उसका क्या आता है? यहाँ रिवर्स होता है। इसका ही कोस साइन कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये आ जाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ निशान है सिमिलर, यहाँ इसी तरह निशान है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस ये कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये सेम एडिटिव रीडिंग हाई स्कूल क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंगल इन डिग्री, रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल का मेजरमेंट किस तरह होता है? यानी एंगल ऑफ डिग्री, एंगल ऑफ डिग्री क्या होता है? एंगल ऑफ रेडियन मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। ये फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डिग्री का। क्या होता है? एंगल ऑफ रेडियन मल्टीप्लाई 180 इंटू पाई 50 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिग्री में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 2π/3, इफ वी हैव 2π/3 एंगल, एंगल कितना है? 2π/3 है, 2π/3 एंगल है। इसको रेट क्या हमें चेंज करना है? एंगल ऑफ डिग्री, एंगल ऑफ डिग्री क्या आ जाएगा? 2π/3 यानी एंगल ऑफ डिग्री, एंगल ऑफ डिग्री 2π/3 इंटू 18 अपॉन पाई। इस पाई से पाई आएगा 360 डिग्री। कितना आ गया? 120 डिग्री। कितना जगह आया? 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
अगर कोई ये कहे कि वन वन रेडियन कहे कि क्यों ले जाएगा कि वन वन डिग्री कहे कि क्यों ले जाएगा, क्या आ जाता है वन डिग्री, वन डिग्री कहे कि क्यों ले जाएगा, वन डिग्री कहे कि क्यों ले जाता एंगल ऑफ रेडियन वन इंटू 18/π, वन एंगल क्या आ जाता है वन डिग्री, एंगल क्या आ जाता है वन इंटू एंगल इन डिग्री क्या आ जाएगा, एंगल इन रेडियन क्या आ जाएगा एंगल इन, हाँ वन डिग्री क्या आ जाएगा वन इंटू 18/π, अगर वन डिग्री कह के इक्वल हो जाता है, वन डिग्री कह के इक्वल हो जाता है तो क्या आ गया वन इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है वन इंटू 180/3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 0.3.14, वन डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा वन डिग्री इक्वल टू वन ये रेडियन है वन रेडियन इक्वल टू वन रेडियन इक्वल टू एंगल अगर वन डिग्री हो तो क्या जाएगा 180/π, वन डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा वन इंटू 18/π, तो क्या जाएगा वन रेडियन इक्वल टू क्या जाएगा वन डिग्री है ये वन इंटू 18/π, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, वी है पाई की वैल्यू क्या है 22.7 और वी कैन से 3.14, तो क्या आ गया इसकी वैल्यू भैया इसे 3.1 क्या वन की 80 में क्या 180/3.14, 3.14 को 180 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो क्या आ जाएगा, हाँ 57.29 58, यानी कि क्या आ गया वन रेडियन इक्वल टू वन रेडियन इक्वल टू इतने डिग्री आ गया, वन रेडियन इक्वल टू वन डिग्री, अगर वन डिग्री बराबर निकालना हो वन डिग्री बराबर वन इंटू रेडियन अपॉन क्या जाएगा 18/π, पाई अपॉन वन एट्टी क्या जाएगा पाई अपॉन 180, वन डिग्री इक्वल टू वन इंटू पाई वैल्यू 3.14/180, 180 वन की 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 1/80, 1/80 से 3.14 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फाइव रेडियन, 0.0175 रेडियन आएगा, तो ये क्या आ गया कि वन रेडियन इज इक्वल टू 50.72958 और वन डिग्री इक्वल टू वन डिग्री इक्वल टू इतने 0.05 रेडियन, और रेडियन को एंगल को डिग्री ऑफ एंगल ऑफ डिग्री को रेडियन को क्या किसको बदलते हैं एंगल ऑफ रेडियन इंटू 1/18/π, अगर इसका उल्टा हो एंगल ऑफ रेडियन यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल ऑफ डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ठीक है नहीं अगर पाई में है तो रेडियन में नहीं तो डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ठीक है नहीं तो क्या आ गया फॉर्मूला याद कर लेना वन रेडियन इक्वल टू 57.295 और वन डिग्री इक्वल टू 0.0175 रेडियन, ठीक है आगे जैसे सम कॉमन एंगल क्या होते हैं जैसे इनको डायरेक्ट ये याद ही नहीं चाहिए
सम कॉमन एंगल क्या होते हैं भैया? 30 डिग्री का टैप पाई बाई सिक्स होता है, 30 डिग्री पाई बाई सिक्स होता है, 60 डिग्री क्या होता है पाई बाई थ्री होता है, और 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई फोर होता है, और 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई टू होता है। 90 डिग्री क्या होता है पाई बाई टू होता है, ठीक है। ये कॉमन एंगल है, कन्वर्जन ऑफ कॉमन एंगल है। अगर साइंस ऑफ एंगल, अब क्या है साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल अगर मान लिया वो ये तो एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्स वाई एक्स जीरो, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई जीरो। अगर ये एंगल यहाँ ये बना रहा है, मान लीजिए एंगल इसमें यहाँ थीटा बना रहा है, यहाँ एंगल कहाँ बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, यहाँ कहाँ बना रहा है, ये यहाँ से थीटा बना रहा है, यहाँ कौन सा बना रहा है, ये शुरू यहीं से करना है एक्स से। देखो ये, देखो ये चार, देखो ये एक्स एक्स था, ये वाई एक्स था, कोऑर्डिनेट भी पढ़ा था हमने, ये क्या था जीरो था, ओरिजिन था, ये क्या कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, और इसमें क्या जाता है ये आ गया, ये आ गया, ये इनकी ये एंगल इस तरह के आ गए, ये आ गया एंगल इसमें थीटा, ये एंगल आ गया आगे थीटा, ये भी एंगल थीटा, यानी कि इसमें एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है फर्स्ट में, इसमें कौन से में सेकंड में, इसमें कौन से बन रहा है ये थर्ड में, इसमें कौन सा बन रहा है एंगल ये, हाँ ये फोर्थ में कौन सा बन रहा है तो इसके साथ ये, ठीक। अब आगे क्या है, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो है साइन प्लस का होता है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है प्लस का होता है, जो ये सेकंड क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है, अच्छा अगर ये यहां से यहां तक ये कितने एंगल है भैया, ये जीरो होगा, ये 90 हो गया, 180, 270, फिर ये 360 हो गया, इस तरह
थ्री कितना आ गया, ये 360 हो गया। इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सारे क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। सारे क्या होते हैं, सारे प्लस के होते हैं। इनकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के क्या रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कोस टैन, इनके इनवर्स साइन कोसेक टैन कोट कोसेक सेक, ऑल प्लस। एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन, इन साइन प्लस। इन थर्ड क्वाड्रेंट इज टेन, इज थर्ड टेन। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज कॉस, इट मींस मींस ऑल दैट इज साइन प्लस, हियर इज टेन एंड हियर इज कॉस। इफ देर आर the all, if they are sine plus then their inverse cosec will be plus, cosec sine and cosec, sine and cosec. If there is tan, it means it will be have cot, it will cos, that it will be sec. It means that the if the whole trigonometrical function in the first quadrant will be positive, in second quadrant we have only sine and cosec plus positive, in third we have tan and cot, and in fourth cos and sec is positive. Okay. रिफरेंस एंगल, क्या रिफरेंस एंगल क्या है, ये रिफरेंस एंगल इज अ पोजिशन ऑफ ऑफ एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल, अगर कोई लैट, अगर कोई थीटा इज एंगल, स्टैंडर्ड एंगल है। थीटा क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है लैट, थीटा इज द स्टैंडर्ड एंगल। रिफरेंस एंगल
जो फ्रेंस जो फ्रेंस एंगल होगा वो थीटा क्या कहलाएगा, फ्रेंस एंगल कहलाएगा, फ्रेंस एंगल थीटा, इस थीटा इज स्टैंडर्ड एंगल है। अगर थीटा डैश जो है इसका रिफरेंस एंगल हो, थीटा डैश इफ देयर आर थीटा डैश ड्यू टू द रिफरेंस एंगल बाय द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा, बाय द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एंड द एक्स एक्सिस, बाय द क्या मतलब, बाय द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा, बाय द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, बाय द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एंड द एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस रिफरेंस एंगल। अगर मान लीजिए लेट थीटा भी स्टैंडर्ड एंगल है और थीटा डैश जो है रिफरेंस एंगल होगा, कब होगा, बाय द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा एंड द एक्स एक्सिस इक्वल टू द डिफरेंस एंगल। जैसे अगर मान लिया ये मामले में कहूँ ये 300 है, ये 300 डिग्री में है, ये 300 डिग्री का एंगल है। अगर ये 300 डिग्री का एंगल है मैं कहूँ कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये बताया था मैंने, ये 0, 90, 180, 270 और 360। इट इज लाई बिटवीन 270 एंड 360, इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कह रहा है रिफरेंस एंगल, अगर इसका रिफरेंस एंगल पूछता है, रिफरेंस एंगल, रिफरेंस एंगल, इसका रिफरेंस एंगल क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस से जितना भी किससे लिख रहा है 360 माइनस 60, ये होगा, ये मान ली है, ये है 300, जब ये 300 है तो इसे ये 16 होगा, ये वाला एक्स एक्सिस से इसके एंगल की जो है, इट इज कॉल्ड रिफरेंस एंगल इज 60 आ गया। रिफरेंस एंगल कितना जाएगा इसका, 60 आ जाएगा, रिफरेंस एंगल कितना जाएगा, ये 60। अब जो है साइन की वैल्यू, इसमें कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू, अब निकाल लें हमें साइन 60 वैल्यू कितनी है, √3/2। लेकिन कौन से बताया था लास्ट टर्म में साइन 60, लेकिन कौन से टर्म, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है फोर्थ में, साइन इज हियर इज माइनस। सिमिलरली इन कॉस 60, इन कॉस 60 इज हैव द वैल्यू इज 1/2 एंड इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली टू द होम नंबर ऑफ द एड्रेस ऑफ द हाउस ऑफ, किसका है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, किसका होता है भैया बताओ, ओनली कॉस, तो इधर कॉस विल बी पॉजिटिव एंड टेन सिक्सटी इक्वल टू √3 एंड माइनस, क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये सिर्फ इसमें जो है कौन प्लस का होता है, इसमें होता है कॉस और सेक, तो कोस की वैल्यू कोस 60 वैल्यू ये प्लस आएगी ये बन गई, तो इससे इसकी जो है वैल्यू भी हम रिफरेंस वैल्यू से हम इसकी जो है इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये पता कर लेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में, इससे इसका साइन पता चल जाएगा और फिर इसकी वैल्यू रख के हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 0 to 90 पढ़े हैं, उससे बाद इसका डायरेक्ट हम मेथड करके वैल्यू की निकाल सकते हैं।
देखो भाई, एक जैसे मान ले एक हो रहा है, ये क्या इनफिनिटी टू माइनस इनफिनिटी एंड इनफिनिटी टू माइनस इनफिनिटी, इनफिनिटी एंड माइनस इनफिनिटी आर टू रियल नंबर, इनफिनिटी एंड माइनस इनफिनिटी ये क्या रियल नंबर है? नहीं, दे आर नॉट रियल नंबर, इनफिनिटी टू एंड माइनस इनफिनिटी दे आर नॉट रियल नंबर। इनफिनिटी क्या होता है, जैसे मान लिया बताते हैं ना टेन पाई बाई टू क्या होता है, इनफिनिटी, और टेन जीरो जीरो, यानी जो टेन की वैल्यू है, जो टेन की वैल्यू है इनक्रीज कहाँ से होती है, जीरो टू इनफिनिटी होती है फॉर टेन। टेन की वैल्यू क्या होती है, फॉर टेन की वैल्यू, टेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो टू इनफिनिटी इनक्रीज होती है, जीरो टू इनफिनिटी इनक्रीज होती है। उसके बाद यह कह सकते हैं जीरो टू जीरो डिग्री टू पाई बाई टू, ये जीरो टू जीरो है इसके पाई बाई टू की इनफिनिटी, जीरो टू पाई बाई टू, यानी जो है यानी टेन का जो इंटरवल है इंक्रीज करता है जीरो टू पाई बाई टू, कहाँ तक इंक्रीज करता है, जीरो टू पाई बाई टू तक, यानी टेन इंटरवल टेन इंटरवल इंक्रीज जीरो टू पाई बाई टू, ये टेन इंटरवल इंक्रीज जीरो टू फाइव बाई टू, जीरो से फाइव बाई टू तक के बीच ये जो है वो करते हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अब आप क्या है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ, जैसे मान ले कोई फंक्शन है, ए के फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स, ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स, इसकी जो डोमेन होगी, इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन क्या होगी इसकी आर, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होगी माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, और पीरियड क्या होगा इसका, टू पाई, पीरियड क्या होगा इसका टू पाई, और इसका साइन स्क्वायर एक्स या कहते हैं मोड साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स मोड साइन एक्स इफ बिलोंग्स टू जीरो वन, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स मोड साइन एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन, एक फॉर्मूला है साइन एक्स बराबर
अगर कहीं साइन अल्फा हो, ये क्या हो, साइन एक्स बराबर कहीं क्या हो, साइन अल्फा हो, क्या हो, साइन एक्स बराबर साइन एक हो रहा है नहीं, ये लिख साइन एक्स बराबर साइन अल्फा एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एक्स, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा हो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू पाई, ये कहते हैं एन बिलोंग्स टू पाई। और इसका अगर हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो इसका में ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो क्या है, इसका मतलब अब क्या आएगा, ये अगर हम ये इसका जो है ग्राफ खींचना हो, ये इस तरह का ये ग्राफ हो गया जाता है, इस तरह का ये ग्राफ हो गया जाता है, इस तरह का ये ग्राफ हो गया जाता है। अगर कोई फंक्शन वाई मल्टीपोमेंटिक साइन एक्स का है, साइन एक्स का जो है डोमेन क्या होती है, आर होती है, इसकी रेंज क्या होती है, माइनस वन टू वन होती है, पीरियड क्या होता है इसमें टू पाई आता है, और इसका जो है साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स जो वैल्यू कहाँ तक बिलोंग्स करती है, इसकी मोड साइन एक्स की जीरो टू वन करती है। अगर कोई वैल्यू साइन एक्स बराबर साइन अल्फा है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, आई न्यू आई फॉर इंटीरियर एंड द सेम ग्राफ विल बी टू द दिस फिगर दैट। ठीक है, आई पास में अगर मान लिया क्या जाएगा, y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू क्या आ गया cos x, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx cos x, y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx cos x, y इक्वल टू क्या आ गया fx cos x। डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, वही है डोमेन, रेंज डोमेन, रेंज पीरियड कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स, इसकी डोमेन क्या आती है, डोमेन होती है आर, रेंज क्या आती है इसकी माइनस वन टू वन, पीरियड क्या आता है टू पाई, पीरियड क्या आता है टू पाई, इट बिलोंग्स टू जीरो टू वन, या आता है बिलोंग्स टू जीरो टू वन आती है। अगर कहीं कोस एक्स बराबर कोस अल्फा हो, कोस एक्स बराबर कोस अल्फा, x बराबर टू एन पाई प्लस माइनस एक्स, वेयर n बिलोंग्स टू आई,
और जहां तक इसकी फिगर की बात है इस तरह का जो ग्राफ आएगा, इस तरह का दैट इज इट इज कॉल्ड टू द अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोस एक्स है, अगर y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोस एक्स है, ये कोई डोमेन है, डोमेन की रेंज क्या है, r है, तो रेंज क्या आ जाएगा कि माइनस वन टू वन, पीरियड क्या आ जाएगा इसका 2π आ जाएगा, पीरियड क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, कोस स्क्वायर कोस एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 0 बन जाएगा, कोस एक्स बराबर क्या आ जाएगा कोस अल्फा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और इसका ग्राफ इस तरह होता है, जैसे इनके इंटरवल अगर 2π आ गया इसके इंटरवल 2π, ठीक है, इस तरह हम जो है इसका भी हम इसका ग्राफ निकाल सकते हैं। अब अगर आगे कहेगा ग्राफ निकालना हूँ ये y इक्वल टू टेन एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स टेन एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स टेन एक्स है, इसकी इसका वैल्यू क्या आ जाता है, इसकी डोमेन आते हैं r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i, तो रेंज क्या आ जाती है इसकी माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाती है, और पीरियड क्या आता है इसका पाई आता है, पीरियड क्या आता है इसका पाई आता है, और टेन स्क्वायर एक्स कोमा टेन एक्स मोड बिलोंग्स टू जीरो टू वन, जीरो टू वन, ये इसकी आ जाता है इसकी वैल्यू, और टेन एक्स बराबर अगर कहीं टेन अल्फा हो एक्स बराबर एन पाई प्लस अल्फा, टेन एन पाई प्लस अल्फा, ये डोमेन इसका यह आ गया, रेंज इसकी मान इन्फिनिटी आ गई, पीरियड क्या आ गया पाई आ गया, इसका टेन स्क्वायर एक्स मोड टेन स्क्वायर एक्स या मोड टेन एक्स इक्वल टू क्या आ गया इसका बिलोंग्स टू क्या गिर गए जीरो टू वन हो गिरेगा, यानी जीरो इसके अंदर इंक्लूड होगा टेन टू वन, वन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वन के आसपास, टेन एक्स बराबर टेन अल्फा, एक्स बराबर एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू आई, एन बिलोंग्स टू आई, इसका क्या ये ग्राफ बनेगा इसका,
ये ये जो है इस तरह का ये ग्राफ बनता है, ये क्या कहता है, ये टेन एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है भाई, आई बात में? Similarly, y equal to fx cot x, fx cot domain range, domain इसकी क्या होती है, r minus n pi, r minus n pi, n belongs to pi, range क्या होती है इसकी, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कोट स्क्वायर एक्स कोट एक्स वैल्यू क्या होती है भैया, इसके टैन का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस तरह का जो ये ग्राफ होता है, इस तरह का ये ग्राफ होता है इसका। दैट इज इस तरह का ये ग्राफ होता है टैन, इस तरह का ये ग्राफ होता है। इसी तरह कहने का है sec x का, कहने का होता है टैक्स डोमेन क्या होती है, आर माइनस टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन पाई बाई टू डोमेन, रेंज क्या होती है इसकी,
माइनस इनफिनिटी टू वन, माइनस इनफिनिटी टू वन, वन टू इनफिनिटी, वन टू इनफिनिटी, बल्कि वन से इसके अंदर जाएगा ये आएगा, ये इसकी डोमेन होती है। तो पीरियड क्या होता है, टू पाई होता है इसका पीरियड, और sec square x more sec x belongs to 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 1 to infinity, 1 to infinity, 1 to infinity। इनका ग्राफ क्या होता है भैया, इस तरह मोहिनी इस तरह का जो है ग्राफ जो है, एक यहाँ जो है, यहाँ 5/2 आ जाएगा, ए वाला, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द ग्राफ ऑफ sec x, दैट इज द ग्राफ ऑफ sec x, दैट इज द ग्राफ ऑफ इन cosec x डोमेन, इन cosec x डोमेन वी हैव r माइनस n पाई डोमेन, r माइनस n पाई एंड रेंज इज माइनस इनफिनिटी टू वन। अगर यहाँ जो है cosec x होता है, क्या होता है यहाँ cosec x, क्या आती थी, वही आती r माइनस n पाई, r माइनस के n पाई, यानी y इक्वल टू f x, cosec x का है डोमेन, रेंज क्या जाती थी, रेंज ऐसी माइनस इनफिनिटी टू वन, माइनस इनफिनिटी टू वन, यूनियन वन टू
इन्फिनिटी, वन टू इन्फिनिटी, ये इस तरह। और इसमें जो ये है इसमें कहाँ तक बनता है, ये समय जीरो टू पाई, इसमें कहाँ क्या बनता है, जीरो टू पाई के बीच ही बनता है, जीरो टू पाई के बीच ही। जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, और ये इस तरह का ये ग्राफ बनता है, इस तरह का ये ग्राफ बनता है। और इसमें क्या बनता है, पाई टू टू पाई, नीचे बनेगा पाई टू पाई। और ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ है, इनकी डोमेन है, रेंज है, ठीक है नी। और अगर अगर कोई कहे कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, जो टेन एक्स होता है फंक्शन, ये खास बात है, जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस टेन एक्स कैंप होता है, फोर टेन एक्स इक्वल टू कहता है एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन फाइव टू एन प्लस वन प्लस फाइव बाई टू, और कोट एक्स कहाँ होता है, एक्स इक्वल टू एन फाइव, वेयर अगर कोई tan x फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, x इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू पाई। और cot x कोई फंक्शन है, अगर cot x अगर क्या है, cot x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू एन पाई फोर एन बिलोंग्स टू पाई। ये किसी भी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन tan x है, अगर कोई फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे, कोट एक्स कब आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई पे, ये एन बिलोंग्स टू आई पे, इस पे जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जैसे सवाल है फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर कॉस एक्स माइनस, इसकी रेंज निकालनी है, फाइंड द रेंज ऑफ फोर कॉस एक्स माइनस, किसकी निकालनी है रेंज, एक क्वेश्चन है, वन फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स अपॉन
एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर कोस एक्स माइनस थ्री। किस तरह ये निकालते हैं देखो, इसकी हमें पता है कोस एक्स की वैल्यू माइनस वन टू वन के बीच लाई करती है। कोस एक्स की वैल्यू कहाँ तक लाई करती है? माइनस वन टू वन। कोस एक्स की वैल्यू कितनी की लाई करती है? माइनस वन टू वन। अच्छा जी, अब क्या कर रहा मैंने इसको फोर से दोनों, फोर कोस एक्स बनाने के लिए फोर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, क्या गया माइनस फोर, फोर कोस एक्स की फोर। अब इसको माइनस थ्री भी चाहिए यहाँ, तो माइनस थ्री करने के लिए माइनस थ्री दोनों तरफ से क्या कर दूंगा मैं, क्या आ गया माइनस सेवन फोर कोस एक्स माइनस थ्री माइनस के ऊपर माइनस के फोर माइनस थ्री बन ये जो है फोर कोस एक्स माइनस थ्री, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। जब ये जीरो नहीं हो सकता ये कभी भी, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर वन रखूँगा मैक्सिमम वैल्यू तो फोर माइनस थ्री क्या है वन, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये भी जीरो नहीं हो सकता तो इसकी वैल्यू जब भी जीरो, तो जीरो नहीं हो सकता तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन से क्या होगी छोटी नहीं हो सकती, क्या आ गया वन से। इसी की लिख सकता हूं मैं माइनस सेवन फोर कोस एक्स माइनस थ्री, इसका ई आ गया जीरो, इज लेस देन जीरो। इसका मैंने रिवर्स मार दिया, इसका क्या कर दिया मैंने उल्टा कर दिया, क्या आ जाएगा जो माइनस वन अपॉन सेवन इज लेस देन वन अपॉन फोर कोस एक्स माइनस थ्री आ गया इन्फिनिटी, क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, क्या आ गया इन्फिनिटी। और फोर कोस एक्स माइनस थ्री की वैल्यू कहाँ तक वैल्यू लाई करेगी, और जब ये जीरो नहीं होता तो ये करेगी जीरो टू वन। फोर कोस एक्स माइनस थ्री की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, कहाँ तक लाई करेगी जीरो टू वन तक, जीरो जीरो टू वन, ये जीरो से बढ़ा जाएगा जीरो नहीं होती तो जीरो टू वन की अप्लाई करेगी जीरो टू वन। और ये क्या आ जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी वन अपॉन फोर कोस एक्स माइनस थ्री इज लेस देन वन, ये आ जाएगा। एक तो ये आ गया, ये एक ये आ गया है, इसकी रेंज ही आ गई, तो इसकी रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी टू वन अपॉन सेवन यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू टू वन अपॉन सेवन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। अभी वन प्लस के अंदर हो गई वन इक्वल है, इसलिए वन टू इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू वन टू सेवन, ये यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि रेंज क्या आ गई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी ये ब्रॉन्स की है। इसको बिलोंग करें
ठीक है, जैसे है एक फंक्शन ओवर है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स देन एक्स मस्ट बी देन एक्स मस्ट बी थ्री वन टू एंड क्या सवाल है ये? इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन देन इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। जब हमें पता है ये इनका कोई सा एक आंसर ठीक है, या इसके चाहे यहाँ माइनस के कर लो या कुछ भी कर लो ऑप्शन तो ठीक है। वी हैव वी नो क्या होता है ना साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन वन, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ रखी क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स लेस देन वन, ठीक है। इसे वन को टू एक्स को इधर दिया गया क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन टू एक्स। टू एक्स क्या लंबी इधर लंबा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू एक्स इक्वल लेस देन जीरो, ये क्या आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ये जीरो के इक्वल कभी जब भी पॉसिबल है, ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल है, कब पॉसिबल है ये एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो तो इसके वैल्यू में निकाल ही नहीं है। इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू जीरो प्लस वन इक्वल टू वन देन एक्स इक्वल टू वन। क्या सवाल है? देखो सवाल तय किया था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू की वैल्यू दे रखी है तो एक्स की वैल्यू होगी। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन भी बता के पीछे बताया, लेस देन बताया था इक्वल टू वन होती है। इसकी वैल्यू ये रख दिया फिर इसको इधर ये मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लिया ये आ गया, यानी दो फंक्शन का स्क्वायर की वैल्यू कब जीरो होगी, या तो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो है। तो ये तो वाई को भी लेना देना मेरा है नहीं, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू वन एंड ये टू आंसर ये सेकंड, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं।
साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड प्लस साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस फोर. ये फंक्शन दे रखा साइन एक्स प्लस साइन डब्ल्यू. देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ साइन 400x प्लस साइन 300y प्लस साइन 200z प्लस साइन 100w साइन 100w. इसकी जो है वैल्यू निकालनी है. अब देखो ये गिवन है कि साइन एक्स साइन वाई साइन जेड साइन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस फोर. ये वैल्यू सिर्फ ओनली ओनली इफ एंड ओनली कभी कब हो सकती है. ये वैल्यू जब ही हो सकती है अगर हम साइन एक्स को क्या करते हैं साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू साइन जेड इक्वल टू साइन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस फोर. अगर हम सबकी वैल्यू क्या रख देते माइनस वन होगी जब ही हो सकती है नहीं तो ये हो ही नहीं सकती. ये कॉन्सेप्ट है इन चार फंक्शनों के लिए इन चार ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू क्या माइनस फोर है. ये माइनस फोर कब हो सकती है अगर इसकी वैल्यू माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस फोर तो क्या जाएगा माइनस फोर माइनस वन पावर फोर हंड्रेड प्लस माइनस वन की पावर थ्री हंड्रेड प्लस माइनस वन की पावर 200 प्लस माइनस वन की पावर 100. अच्छा माइनस वन की पावर 100 कितना आगे वैल्यू कितना आगे वैल्यू इसकी माइनस की पावर इवन नंबर इज हैड टू वन इज माइनस वन की पावर इज इवन नंबर पॉजिटिव एंड वन की पावर ऑल वन की पावर इज वेयर वन हैंस सिमिलरली वन सिमिलरली वन वन प्लस वन फोर इट इज द फोर हैंस इट इज आंसर इज फोर. इट इज आंसर इज फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब प्लस साइन पावर एक्स प्लस ई इज इक्वल टू फोर प्लस टू रूट थ्री फोर प्लस टू रूट थ्री देन फाइंड द वैल्यू देन एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू इक्वल होगी क्या होगी अगर एक्स की वैल्यू कहाँ तक लाइफ करती हो पाई तक करती हो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होगी पाई बाई फोर पाई बाई सिक्स कौन कौन सी होगी पाई बाई फोर ए पाई बाई फोर बी पाई बाई सिक्स डी सी पाई बाई फोर और पाई बाई सिक्स डी डी वैल्यू क्या करेगी इसकी वैल्यू
पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री। देखो एक गिवन है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस साइन के इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 4 प्लस के 2 रूट 3, इसकी वैल्यू है 4 प्लस के 2 रूट 3। देखो अब ये अगर मान लिया ये है आंसर है इसका, क्या आंसर है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये साइन एक्स का क्या देगा ए अपॉन वन माइनस आर ए अपॉन ये देखो ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए इज द फर्स्ट टर्म आर इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज कॉमन या रेशियो साइन एक्स अपॉन वन के टू अपॉन टी वन सी साइन एक्स ए अपॉन वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट पाई बाई थ्री। इस तरह ये क्या आ जाएगा ये यहाँ से क्या आ गया वन अपॉन फोर प्लस टू रूट थ्री इज इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स। और इधर से क्या आ गया ये आएगा वन अपॉन वन प्लस फोर टू रूट थ्री माइनस के वन इक्वल टू माइनस के साइन एक्स, दोनों तरह से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया वन माइनस वन अपॉन फोर प्लस टू रूट फोर प्लस टू रूट थ्री माइनस वन, तो क्या आ गया थ्री प्लस टू रूट थ्री, क्या आ गया थ्री प्लस टू रूट थ्री, थ्री प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर प्लस टू रूट थ्री, इसको उल्टे माने फोर माइनस रूट थ्री, फोर माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा ये देखो क्या जाएगा ये बताओ क्या जाएगा ये साइन एक्स बराबर रूट थ्री अपॉन टू, साइन एक्स बराबर रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री, क्या है इसकी वैल्यू क्या आती है साइन एक्स बराबर किसकी वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू क्या आती है पाई बाई थ्री और टू बाई थ्री एंड इट इज आंसर इज करेक्ट इज डी, करेक्ट इज जी इसका आंसर आ गया। देखो क्या है ये फंक्शन, ये कोई फंक्शन था इसकी वैल्यू फोर प्लस टू रूट थ्री थी, इसकी वैल्यू फोर प्लस टू रूट थ्री थी, तो क्या आ जाएगा एक्स एक्स की वैल्यू कहाँ है जीरो टू पाई गए, इसकी फंक्शन वन प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स आर इक्वल टू आ गया, इसका फॉर्म रहेगा ए अपॉन वन माइनस आर, वन माइनस आर इक्वल टू आ गया तो वन माइनस ये आ गया भाई आर इक्वल टू इतना, ये इतना इक्वल टू क्या आ गया वन माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स आ गए, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया वन माइनस के वन प्लस फोर रूट थ्री, क्या आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू सोल कर लेंगे फिर इसके ऊपर नीचे डिटरमिनेशन थे मल्टीशन करके क्या आ गया रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू की वैल्यू पॉजिटिव कितनी होती है पाई बाई थ्री और टू बाई बाई थ्री, हैंस एक्स की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई थ्री और टू बाई बाई थ्री। ठीक है आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टर्न पे फिर आगे कंटिन्यू जो है आई आई टी जेई के कोई क्वेश्चन जो है जो आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है थैंक्स।